शिंदे ही नहीं, अजीत पवार कैंप में भी तनातनी। जाने क्यों मचा है घमासान। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर कोई ये जानना चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कौन प्रदेश का अगला सीएम होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे फडणवीस विवाद अभी सुलझा भी नहीं है कि अब इसमें अजीत पवार भी कूद गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार सीएम पद पर कोई दावा पेश नहीं कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र की नई सरकार में अपने मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर शिवसेना गुट से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार में शिंदे कैंप और अजीत पवार कैंप पोर्टफोलियो को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी के इन दोनों सहयोगी पार्टियों को महाराष्ट्र सरकार में अपने पसंद के पोर्टफोलियो चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिसे पाने की इच्छा दोनों पार्टी की है। यही वजह है कि अजीत पवार खुद दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं और बीजेपी के आला कमान से इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस सहित कुछ ऐसे पोर्टफोलियो हो जो एकनाथ शिंदे कैंप और अजीत पवार कैंप दोनों मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सीएम का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी आला कमान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विजय रूपानी को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों की जिम्मेदारी तीनों पार्टियों से बातचीत के बाद महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की है। माना जा रहा है कि मंत्रालयों को लेकर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच उलझन की स्थिति को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक सुलझा सकते हैं। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ओनली को सब्सक्राइब करें।